अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का आज इख्तिताम हुआ और खुशकिस्मती से अपना पाकिस्तान ने अपने आप को क्लीन स्वीप से बचा लिया और इस सीरीज़ 4-1 से न्यूजीलैंड के फेवर में ख़त्म हुई। इब्तदाई 4 मैचेस में जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पहले 3 मैचेस में पाकिस्तानी कप्तान शाहिन शाह आफरीदी ने टॉस ज़रूर जीता लेकिन तीनों मैचेस में बॉलिंग करने का फैसला किया। चौथे मैच में कीवी कप्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी और 5वें आखिरी T20 इंटरनेशनल भी शाहिन शाह आफरीदी ने टॉस जीता लेकिन इस बार बैटिंग करने का फैसला किया। ये एक लो स्कोरिंग मैच था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन का हदफ दिया कीवी टीम को। पाकिस्तान के कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा सेटल क्रीज पर नज़र नहीं आया। मोहम्मद रिजवान ने 38 रन बनाए। उधर फ़खर जमान ने 36 रन की तेज़ रफ्तार इनिंग्स खेली। अगर ये 36 रन नहीं होते तो पाकिस्तान टीम और भी ज़्यादा स्ट्रगल करती। पाकिस्तान टीम ने इवेंचुअली 42 रन से ये मैच अपने नाम किया। कुछ टॉप परफॉर्मर्स आपके सामने मोहम्मद रिजवान और साथ साथ फ़खर जमान का हमने जिक्र किया। डाउन द ऑर्डर अगर आप अब्बास आफरीदी के 14 रन का जिक्र ना करें तो थोड़ी सी ज्यादती होगी बिकॉज वो वैल्यूबल 14 रन थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जब बॉलिंग की बारी आई तो आज पाकिस्तानी बॉलर्स इस पिच पर इन कंडीशंस का बेहतर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आए। इफ्तिखार अहमद पर आज भरोसा किया गया और उनसे 4 ओवर कराए गए। 3 विकेट्स इफ्तिखार अहमद ने हासिल की। शाहिन शाह आफरीदी और मोहम्मद नवाज़ ने 2-2 विकेट्स हासिल की जबकि जमान खान और उसामा मीर के हिस्से में 1-1 विकेट आई स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। आज की पिच थोड़ा सा फंस के बॉल आ रहा था। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नहीं 2-2 टेस्ट क्रिकेटर्स। सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, साथ साथ अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। इब्तदाई थॉट्स इन दोनों की क्या थी? आज सुबह आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन में अपनी राय का इजहार कर रहे थे बट सिकंदर आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज अच्छा लगा इफ्तिखार को बॉलिंग करते हुए देख के। हम तो शायद भूल गए थे कि इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते हैं क्योंकि 4 मैचेस में उनसे कोई बॉलिंग नहीं कराई गई। आज उनसे बॉलिंग कराई गई तो उन्होंने 3 विकेट्स ले लिए आपके लिए। आज जो पहले से 2-3 में जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो बता दें। नंबर 1 के टॉस आपने जीता और पहले बैटिंग कर जी जी एक नंबर 1 वेल डन शाहिन साहब। आपकी ये 2-3 चीज़ें अच्छी हैं। आपकी टीम सेलेक्शन पिच को देख कर अच्छी थी, आपने 2 स्पिनर खिला लिए। नंबर 3 आपने सीमर से कम बॉल कराए और स्पिनर से पूरे 12 ओवर करा दिए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। आपने अल्लाह अल्लाह करके 4 मैचेस में, बल्कि आज जिक्र भी किया कमेंटेटर्स ने, हम तो करते रहते हैं, हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, जब कोई अंग्रेज करता है तो उसका असर ज़्यादा हो जाता समझ है समझ में आता है। वो कहते हैं वो टॉम डिक और हैरी ने कुछ कहा है तो उन्होंने ये भी कहा कि यार ये इसको पहले मैच में बॉलिंग वगैरह नहीं। मैं कहता हूँ कि कंडीशंस की बात होती है, बिल्कुल होती जैसे सलमान आगा है या इफ्तिखार है, ये वो बॉलर्स हैं कि बीच में ला के इनको करा देने में कोई हर्ज नहीं जब सब पिट रहे हैं। हाँ, अगर चीज़ें सही जा रही हैं तो ओके, आई डोंट माइंड दैट। मैं फिर भी कहता हूँ कि आपके जो ऐसे बॉलर्स हैं उनको 1-2 ओवर कहीं मौका लगे तो करा दो ताकि उनका हाथ भी घूमता रहे, उनको प्रैक्टिस। सर कहीं से भी पार्ट टाइम बॉलर नहीं है इफ्तिखार, प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, एज अ प्रॉपर स्पिनर यूज किया जाना चाहिए, उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। राइट, ये तो इनके हमारे अच्छे पॉइंट हो गए, मगर हमारे बैटिंग वॉज नंबर 1। बैटिंग की थॉट होल्ड कर लें, थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास, डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सिर्फ एक मैच नहीं पिछले 5 मैचेस का तज्जिया करना है हमने इन दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। अब्दुल रज़ाक का इनिशियली इफ्तिखार अहमद पे आपकी थॉट, हम पिछले मैचेस में भी बात कर रहे थे कि इफ्तिखार अहमद को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अगेन जब आपके जो रेगुलर स्पिनर्स हैं वो पिट रहे हों या आपके पेसर्स पिट रहे हों तो एक अच्छा ऑप्शन होता है कुछ नया ट्राई करना और आज वो बात साबित हुई। नहीं डेफिनेटली देखें, जिस तरह की इफ्तिखार ने बॉलिंग की है कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग की है और जैसे सिकी भाई ने कहा कि नवाज़ को और उसामा मीर को इफ्तिखार को ये ओवर कराएगी तो ये बड़ा अच्छा प्लान था क्योंकि जब कंडीशन के मुताबिक कैप्टन बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहा था तो दूसरी टीम जो होती है वो भी देख रही होती है कि उन्होंने फास्ट बॉलर हटा के स्पिनर को लगा दिया तो इसका मतलब है कि पिच में समथिंग है स्पिनर के लिए, बड़ा मुश्किल है स्पिनर को हिट करना और इवन के फास्ट बॉलर को भी हिट करना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं था इस पिच पे। और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है और 1-2 लड़कों को ने चांस दिया है, जैसे डैरल मिचेल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है तो अभी उनको रेस्ट दिया गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हुआ और पाकिस्तान को ये जो विक्ट्री है मैं समझता हूँ आगे जाके फायदे देगी।
सिकंदर, ओवरऑल सीरीज़ को अगर हम देखें, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स को हमने आजमाया, हम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे इफ्तिखार के मामले में भी, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी प्लेयर को चांस दे रहे हैं तो उसको अपनी जगह पर चांस ज़रूर दें। साहिबजादा फरहान आज भी बहुत लेट आए डाउन दी ऑर्डर, इससे पहले हमने आज़म खान को देखा, वो इतने कामयाब नहीं हो पाए। फ़ख्र ज़मान इस वक्त चौथे नंबर पर खेल रहे हैं, थोड़ा सा हम क्या फोर्स नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को कि वो अलग रोल्स प्ले करें, हालांकि वर्सेटिलिटी होनी चाहिए टी20 क्रिकेट में। अब देखें तो हमने जो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं फ़ख्र के अलावा, फ़ख्र ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर दी, 16 गेंदों पे उन्होंने 33 किए, हमें मैच मैं हैरान हो रहा था उनकी बैटिंग देख के, रिजवान की, रिजवान ने 38 गेंदों पर, क्या आज के मैच में रिजवान को नीचे नहीं भेजा जा सकता था? ठीक है, बाबर को। अच्छा एक और चीज़ जो आपकी बात है वो उसमें टोटली 100% इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर एक ओपनर है तो उसको ओपन कराया जाए ताकि उसको शिकायत का, गिले का कोई मौका ना मिले। एक फास्ट बॉलर है, क्या शाहीन शाह अफरीदी से कहा जाएगा कि आप 8 ओवर के बाद आके बॉलिंग करें? आप कभी नहीं करेंगे, वो नया बॉल का बॉलर है, उससे नया ही कराएंगे। तो इसी तरह एक ओपनर से आप ओपन कराएं। ठीक है, एक और चीज़, जब हसीबुल्ला खेलने आया तो क्या रिजवान पहला ओवर खुद नहीं खेलना चाहिए था? मैं देखते ही हैरान रह गया कि जब मैच हुआ तो जब वो बॉलर रनअप पे था, मैं अपनी चीज़ें मुझे सेट कर रहा था, चाय वाय बना रहा था, तो मैंने देखा कि यार ये हसीबुल्ला क्यों फेस कर रहा है, पहला ही बॉल हसीबुल्ला ने फेस किया। भाई आप एक छोटा जूनियर लड़का, 21-22 साल की उम्र, बेचारा खेलने पहली दफ़ा आ रहा है, आपको खुद जाना चाहिए मुश्किल कंडीशंस में, आज कंडीशंस आसान कंडीशंस। एक तो प्रेशर होगा ना उसके ऊपर, आखिरी मैच सब कुछ, आप सीनियर खिलाड़ी, आप अपने आप को पता नहीं तोरसम खान समझते हैं, आप पहले फेस करते, आप कहते बेटा तुम आओ मैं खेलता हूँ और आप उसको खिलाओ। आप लोगों की नीयतें ख़राब हैं, आई एम वेरी सॉरी, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी नीयतें अच्छी नहीं हैं, वो नहीं चाहते कि कोई पले बढ़े। आपने उसको बेचारे को आगे कर दिया, उसने बल्ला चला दिया, उसकी भी गलती है, मगर चलें वो नया बच्चा है, उसको हमने तो ये चीज़ है। 10 ओवर बाबर ने 2 चांस दिए, कैच ड्रॉप हुआ, हल्की सी गेंद लगी, वो बार बार ऐसे कर रहे थे, बार बार ऐसे करते, भाई आप बाहर चले जाते। आपने 10 ओवर में सिर्फ 53 रन किए, जब आप आउट होकर गए तो सिर्फ एक गेंद रहता था 9वें ओवर का, तो भाई आप छोड़ के चले जाते, दूसरों को अंदर आने देते, बाहर फ़ख्र बैठा हुआ था, इफ्तिखार था, सारे थे, आप नहीं, आप खेलते रहे खेलते रहे। मैं हैरान कि ये लोग कर क्या रहे हैं, आप क्या रन बनाना नहीं चाहते क्या? तो मुझे नहीं समझ में आई इन सीनियर खिलाड़ियों की जो स्ट्रेटेजी है, ये ऐसा लगता है कि ये चाहते ही नहीं कि कोई और दूसरा जो है उसको मौका दे। अब्दुल रज़ाक, बैटर्स के लिए मुश्किल कंडीशंस थी, बॉल फंस के आ रहा था, इतना आसान नहीं था यहाँ पर रन स्कोर करना, बट एट द सेम टाइम अभी ऑफ द रिकॉर्ड में हमारी सिकंदर से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया कि ठीक है शॉट्स नहीं लग रहे थे, बल्ले पर बॉल नहीं आ रहा था, आप सिंगल डबल ले सकते थे, आप दिखा सकते थे अपनी क्लास, आप सिचुएशन को यूटिलाइज कर सकते थे। अब्दुल रज़ाक ने डेफिनेटली देखे, इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब होता है कि आप मेरिट पे खेलते हैं, बॉल की लाइन में आके खेलते हैं, और अभी हसीबुल्ला भी बात कर रहे थे तो हसीबुल्ला को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, जो बाहर बैठे हुए हैं लोग उसको सिखाएं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अभी आ रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले बॉल होता है कि लाइन पे आना और मेरिट पे खेलना, प्रॉपर शॉट्स खेलना। चलाने वाला प्लेयर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आपकी अभी शुरुआत ऐसी है आप वैसे आउट हो जाते, आप ड्राइव खेलते हुए आउट हो जाते तो समझ आती है आगे निकल के चलाना, और तीसरा बॉल है, नया बॉल है, एक्सपीरियंस बॉलर है आपके सामने, तो जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उसको पहले पूरा ट्रेन करके भेजना चाहिए था कि आपने कैसे खेलना है। और अब्दुल रज़ाक वो पक्का प्लेयर है, वो प्रॉपर खेलने वाला लड़का है, प्रॉपर शॉट्स खेलने वाला लड़का है। देखें बात यह है कि मुझे बताएं कि कौन सा ओपनर तीसरे बॉल पे आकर निकल के शॉट चलाने की कोशिश करता है, मुझे बताएं। आपने प्रॉपर खेलनी है क्रिकेट, इंटरनेशनल का मतलब है प्रॉपर खेले, फिर जाके आप सरवाइव करेंगे। रज़ाक ये बताओ कि उससे नया बॉल उसको फेस करने देना चाहिए था, रिजवान को नहीं चाहिए था कि खुद पहले फेस करता, नया बच्चा है, उसको आपने सामने कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी पहली बात तो यह है कि रिजवान को ओपन नहीं जाना चाहिए था और बाबर आजम को मैच नहीं खेलना चाहिए था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम को पता नहीं इन्होंने क्या समझा हुआ है। आप फ़ख्र से ओपन करवाते, आप साहबजादा फरहान से ओपन करवाते, हसीबुल्ला को बेशक वन डाउन करा देते, इस तरह के एक्सपेरिमेंट इनको करने चाहिए थे। और मैनेजमेंट में इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं तो पता नहीं क्या प्लानिंग है इनके जेहन में, क्या लेके चलते हैं।
पहले टेस्ट मैच से लेकर अभी तक जितने मैचेस हुए हैं ये मैच निकाल मैं आप दोनों की राय इस बारे में जानना चाहूंगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आप सबको भी ये समझने की जरूरत है कि ये बातें जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं। सिकंदर, अगर आप किसी नए लड़के को मौका दे रहे हैं तो दिल आपने बड़ा ऑलरेडी कर लिया है, आपको और बड़ा दिल करना है। साहिबजादा फरहान को अगर आप परफॉर्मेंस की बेसिस पर लेके आएँ तो उससे ओपन कराएं, जैसे अब्दुल रजाक कह रहे हैं, आप उसको उसकी जगह पर खिलाएं ताकि आप सही मायनों में उसको जज कर सकें। दिल तो बड़ा कर लिया। इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ, देखें सैम यूप एक्सपीरियंस है, वो मच बेटर देन सीबुला। वो अगर कामयाब नहीं हुए तो आपने उसकी जगह पे इसको डाल दिया, मतलब कि पता नहीं इनके दिल में क्या चीजें चलती हैं। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये प्लेयरों को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। आज भी सिकंदर, आपको नहीं लगता कि सैम अय्यूब को एक और मैच मिलना चाहिए था, स्पेशली जब आपके जो सीनियर प्रोज हैं वो टीम में मौजूद हैं, इफ्तिखार से भी रन नहीं हो रहे, आज उन्होंने विकेट्स ले ली तो शायद उन्होंने अपने आप को किसी हद तक बचा लिया। बट इफ्तिखार पाँचवा मैच खेलते हैं, सैम को बिठाया जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इफ्तिखार के बारे में आप जानते हैं, इट पेड ऑफ। तो अब लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, नहीं उसने 3 विकेट ले ली, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। बट यू नो, अगर आपने प्लेयर को बनाना है तो सही तरह बनाना है। देखें, आज एक और गलती की जी भाई, आपने नवाज को ऊपर क्यों भेजा यार, जब आपके पास इफ्तिखार बैट्समैन मौजूद है, फरहान मौजूद है। जी जी जी, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है यानी इतने ओवर पड़े हुए थे, आपने उठा के नवाज को भेज दिया, वो एक रन करके आउट होके चले। यानी कि मैं सोचों पे इनकी हैरान हूँ, आप इन बेचारे नए बच्चों का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं यार, ये बेचारे नए बच्चे, इनको सही मौका दो। आपने इससे अच्छा मौका फरहान के लिए नहीं होता, बेचारा और थोड़ी बहुत गेंदें खेलता, उसने 13 गेंदों पे 19 रन किए, उसकी बड़ी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। और उसके अलावा अब्बास अफरीदी के 6 गेंदों पे 14 रन की बहुत बड़ी वैल्यू है, वैल्यू है। इन्होंने ये है थोड़ा सा जान डाली पाकिस्तान के स्कोर के ऊपर। आपने नवाज को भेज दिया यार, और सिर्फ इसलिए कि उसने पिछले मैच में चला एक छक्के लग गए तो आपने उसी को ऊपर भेज दिया, ये भी गलती थी। सैम अय्यूब को पिछले मैच में, मैंने इसमें लिखा भी था कि चौथा मैच था, वो बिल्कुल सीधा होकर खेलने लगा। मुझे लगता है बेचारा इतना नर्वस हो गया, इतना घबरा गया कि या तो उसके घर वालों ने या उसका जो भी मेंटोर होगा, जो उसका कोच होगा, उसने बोला कि भाई तू आराम से खेल ले, 50 कर ले, कुछ रन कर ले, तेरे पीछे पड़े हैं सब, ठीक है ना। उसने जो है बिल्कुल, मैंने पिछले मैच में देखा वो अच्छी गेम प्लान ही चेंज कर दिया, उसने सामने की गेंद, हालांकि वो इस गेंद को वो ऐसे करके मारता है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से या लॉन्ग ऑफ की तरफ से, इस लड़के को ऊपर होते हैं, वो ऐसे करके सीधा खेला, एक गेंद मूव और टक करके स्लिप मार दी उसने, उसमें वो एग्रेशन ही नहीं था, वो अपना स्टाइल ही भूल गया। आप लड़कों को खराब कर देते हो इस तरह, आप उनको खुले दिल से खिलाओ यार। नहीं, अब्दुल रजाक, आपकी जो बात थी ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक नए लड़के को भेज रहे हैं तो उसका दिमाग किस तरह बना के भेज रहे हैं। हाँ, माना ये इंटरनेशनल लेवल है, एक लड़के के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो सिचुएशन को खुद गेज कर सके, इवन दो वो अपना पहला मैच खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब आपके पास इतने सीनियर लोग मौजूद हों टीम मैनेजमेंट में, और अगर वो किसी एक लड़के को एक गेम प्लान दे रहे हैं जो उसके गेम प्लान से हटकर है, तो दिमाग कंफ्यूज होता है, खासतौर पे नए प्लेयर्स के मामले में, जैसे हसीबुल्ला है या सैम अय्यूब है, जैसे सैम की बात कर रहे थे अभी सिकंदर। नहीं, डेफिनेटली दानिश, मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो मैनेजमेंट में है, कुछ देर महीने पहले टीवी पे बैठे तबसरे कर रहे होते हैं, जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिलता है कि आप जाके क्रिकेट के लिए बेहतरी करें, तो फिर इस तरह के ब्लंडर, इस तरह की गलतियां करना, तो फिर ये टीवी पे बैठ के कैसे तबसरा करेंगे? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती, क्या बोलेंगे? सबको पता चल रहा है कि आपने क्या गलतियां की, क्या गलतियां नहीं की, सबको पता चल रहा है। और आपने जो, अगर हम टीवी पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर मैं चीफ सेलेक्टर बन जाता हूँ या हेड कोच बन जाता हूँ तो मैं भी वही गलतियाँ करूँगा, तो इसका मतलब है कि फिर मेरा जो टीवी पे बैठ के बोलना था वो तो फिर फजूल हो गया ना। इसका मतलब है कि ये तो सरासर, आप देखें चीजों को आप स्मूथली लेके नहीं चलते, आप डेस्परेट हैं मैच जीतने के लिए, आप डेस्परेट हैं सीरीज जीतने के लिए, किसी तरह हम जीत जाएं, इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपने जितने यंगस्टर को मौका दिया है, सफाई अब्बास अफरीदी के या अमर जमाल हो गए, तो ये जो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के बॉलर नजर आए हैं, जितने बैट्समैनों को मौका दिया सारे फ्लॉप हो गए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बैट्समैन फ्लॉप नहीं हुए, आपकी सोच फ्लॉप हुई है। जिसना आपने उनको यूटिलाइज करना चाहा वो गलत हुआ है आपसे। आपके लिए ये मौका था फखर को, साहिबजादा फरहान को ओपन करवाते, हसीबुल्ला को वन डाउन कराते, अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती
तो उसके लिए अच्छा हो जाता। आपने बिल्कुल सऊदी जो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, स्विंग होता है बॉल, उनके आके उनको आपको डाल दिया कि जाओ तुम जाके उनको चला के खेलो। ऐसा ये चलाने का तो नहीं है, तो आपने प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दे के बैट बॉल को बेल करना होता है। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उसके जेहन में नहीं था, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, इतने दिनों से वो टीम के साथ है, उसने क्या इंप्रूवमेंट की है मुझे बताएं। इतनी प्रैक्टिस की है, इसका मतलब है जीरो गई। नहीं, उसको पता क्या कहा होगा दानिश, उसको कहा होगा खुलकर खेलो। हाँ, उसको बोलोगे तुम जाओ और खुलकर खेलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू साय मयूब या फिर हसीबुल्ला की आप बात करें या साहिबजादा फरहान की बात करें, इन तीरों के टैलेंट पर पूरा भरोसा है, एटलीस्ट मुझे तो है, बिकॉज ये वो लड़के हैं जो डोमेस्टिक परफॉर्म करके आए हैं, इन्होंने दिखाया है कि इनके अंदर क्लास मौजूद है, टेम्परमेंट मौजूद है, उनको सही तरह यूटिलाइज किस तरह किया जाए इस पूरी सीरीज़ में, जो चेंजेस पाकिस्तान टीम ने की उसके आगे जाके क्या फ़वाद होंगे, ये चेंजेस क्या अगली सीरीज़ में भी रहेंगी या फिर मज़ीद चेंजेस की जाएंगी, फ़ायदा क्या हुआ है हमें, क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या मज़ीद थोड़ा सा कन्फ्यूजन की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का अख्ताम हुआ, पाकिस्तान 1-4 से ये सीरीज़ हार गया। पाकिस्तान ने रोटेशन पॉलिसी और यंगस्टर्स को मौका देने के लिए काफ़ी सारे नए चेहरे इस स्क्वाड में शामिल किए थे, लेकिन उस उन चेहरों को इस्तेमाल किस तरह किया गया, यूटिलाइज़ किस तरह किया गया, किन की जगह पर इस्तेमाल किया गया, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और अब जिन नए चेहरों को आपने टीम में शामिल किया था उनके साथ क्या होगा आगे चल के, कुछ गैप है पाकिस्तान टीम के लिए अभी। पाकिस्तान टीम उन लकी टीमों में से एक है जिन्होंने वर्ल्ड T20 से पहले काफ़ी सारे मैचेस खेलने हैं, कुल मिला के 16 मैचेस थे, 5 ये हो गए हैं, 11 अभी बाकी हैं और अलग अलग टीमों से बाकी हैं। सो लॉट ऑफ क्रिकेट टू कम फॉर पाकिस्तान। बट सिकंदर, कौन से वो प्लेयर्स हैं जो मुस्तकिल हिस्सा हैं पाकिस्तान टीम का, रिजवान हैं, बाबर हैं, फ़खर हैं, साथ साथ इफ्तिखार हैं और शाहीन हैं, हारिस रऊफ भी मुस्तकिल हिस्सा हैं पाकिस्तान की इस टीम का, ये वो प्लेयर्स हैं जो नवाज भी खेलते हैं, रेगुलरली खेलते चले ऑन एंड ऑफ नवाज रहते हैं, बट ये तो मुस्तकिल हिस्सा है ना, शोर शॉट आपको पता है कि ये 5 प्लेयर्स तो पाकिस्तान टीम में होंगे। बिल्कुल, इन्हीं 5 प्लेयर्स ने, हारिस रऊफ ने सिर्फ 4 खेले, बाकी 4 ने पूरे 5 मैचेस खेले और अपनी अपनी जगहों पर खेले, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्या ये ठीक था? नहीं, देखें अगर जो आपने एक्सपेरिमेंट्स करने थे ना, इनको जरूर आपने ऊपर नीचे करना था, उनको रेस्ट देना था, रेस्ट देना था। देखें जो बड़ा प्लेयर की बढ़ाई कहाँ होती है, बड़ा प्लेयर तो वो होता है कि भाई आओ खेलो, जगह बनाने में मदद करे और छोटों को बनाए, ये नहीं होता कि कब्जा करके बैठ जाए और 90 कर दिए आपने, जब 90 कर दिए तो आपने आकर बोला कि जी देखा ना आपने हमारी जोड़ी तोड़ दी तो हमारे साथ क्या हो गया। अरे उससे पहले आपकी बातचीत मुंह से जुबान नहीं निकल रही थी जब आपने 5, 27, 23 रन किए थे, 90 नॉट आउट करते ही आप एकदम से कहने लगे, उससे आपकी नीयत का इजहार हो। तो ये हमें इन बड़े प्लेयरों को नीचे लाकर छोटे प्लेयरों को खिला देना चाहिए था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक मैच में या दो मैच में, जैसे कि इन्होंने किया ना, उन्होंने मिचल्स को बिठाया ना, आज मिचल्स बैठा हुआ था। अगेन आजकल के ज़माने में वजाहत करनी पड़ जाती, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान टीम को बनाने की बात की जा रही। तो वो जब मिचल्स हटा तो उन्होंने उसको, हालांकि मैच जिताया था पाकिस्तान में, हो सकता था ये, आप तसव्वुर कर सकते हैं, तसव्वुर कि सोचना भी मना है भाई, ये रेड लाइन हो जाती है कि भाई उसने तो मैच जिता दिया, मैन ऑफ द मैच था, अगले ही मैच में आपने उसको रेस्ट दिया, रेस्ट दिया, आपने एक नए लड़के को खिला दिया, आप मैच हार गए, कोई बात नहीं, मगर आपने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया। ये चीज होती है जो हमें बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। पहले आपने कह दिया कि सियर्स जो है वो 2 मैच खेलेगा, फर्ग्यूसन नहीं खेलेगा, आखिरी के 3 फर्ग्यूसन, विलियमसन जो कप्तान है वो तीसरा मैच नहीं खेलेंगे, मगर चले वो अनफिट हो गए, रविंद्रा जो इतना बड़ा मतलब स्टार था वर्ल्ड कप का, उसको बोला भाई आपको हमने देख लिया, आप रुक जाओ। ये होती है क्रिकेट, इसमें कोई हम किसी का वो, जैसे दानिश कह रहे हैं, किसी का हम वो नहीं कर रहे। एक मैच में आपको चाहिए था कि रिजवान को नहीं खिलाते, ठीक है, जिसमें आजम कीपिंग कर रहा था, आप 2 मैच कहते थे रिजवान आप 2 शुरू के मैच नहीं खेलोगे, लेट अदर प्ले। 2 मैच वो खेलने के बाद फिर बाबर को कहते हैं आप कि आप 2 मैच अब आप नहीं खेलोगे, ये हमारे प्लान का हिस्सा है, उसके बाद रिजवान अंदर आ जाएगा, दैट्स हाउ यू टेक देम अलोंग, खत्म हो गई बात। मगर आप लोगों में हिम्मत ही नहीं होती। ये डिस्कशन क्यों हो रहा है अब्दुल रज़ाक? ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार फिर आप ये नियत करके टीम लेके गए हुए हैं कि हमने वर्ल्ड T20 के लिए टीम को तैयार करना है। उस टीम को आप तब तक तैयार नहीं कर सकते जब तक आपने जिन लड़कों को पिक किया है उनको आप अपनी जगह पर ना खिलाएं
और उसके लिए सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे फखर से हमने सैक्रिफाइस कराया, ओपनिंग स्लॉट उनसे लेकर उनको चौथे नंबर पर खिलाया और उन्हें दो मैचेस में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया और पोजीशन बनाई एटलीस्ट पाकिस्तान की जीत, हालांकि वो ओपनर है। हालांकि वो ओपनर है। देखिए दानिश, सीधी बात है, और डायरेक्टर और उसके साथ हेड कोच और ऑल इन ऑल आप हों, और इतनी पावर ऑन होने के बावजूद अगर आप के फैसले आपके मुताबिक ना हो और क्रिकेट के मुताबिक ना हो, तो फिर ये सोचने की बात है कि अगर ये नहीं अच्छा कर सके तो फिर मैं नहीं समझता कि इनकी जगह पे कोई आएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ हेड कोच आएगा, डायरेक्टर नहीं आएगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये अच्छा काम करते, एक प्लेटफॉर्म सेट कर जाते तो वो ये बड़ा अच्छा होता, यंगस्टर के लिए भी होता, पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा होता। हम बुरी तरह टेस्ट मैचेस हारे, बुरी तरह T20 हार गए, हालांकि T20 तो हमारा एक अपना हमारे सारे प्लेयर T20 के बेस्ट प्लेयर थे पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट की, प्लेयर को यूटिलाइज करने की और सीनियर प्लेयर को रेस्ट करवाने की, अगर हफीज नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता कि कोई फिर कोई इनकी जगह पे आएगा वो कर सकेगा। तो ये बड़ा मुश्किल था, इनको चाहिए था कि एक टूम सेट कर जाते, बाबर को भी रेस्ट करवाते, रिजवान को भी रेस्ट करवाते, फखर ओपन आते, जैसे मैंने कहा फरहान ऊपर, फरहान ज्यादा वो जो थे वो ऊपर आते। तो ये जो चीजें थी ये इनको करनी चाहिए थी। एक ही मैच था ना, न्यूजीलैंड ने भी तो अपने प्लेयर को बार बार उठा दिया ना, आप भी ये कर सकते थे। पर हम बेसिकली डेस्परेट है कि हमें बस जीत चाहिए, किसी तरह जीत जाए। ये तो क्यूरेटर की मेहरबानी है न्यूजीलैंड के, कि उनको मिठाई देनी चाहिए कि जिससे ऐसी पिच बना दी जिससे स्पिनर ज्यादा मोर फैक्टेबल थे, तो पाकिस्तान की फेवर में चला गया सारा कुछ। पर ये वरना मुश्किल हो जाता, अगर सेम जैसे चार मैचों में पिच थी अगर होती तो जो फिन है इनके, फिन एलन, तो वो इन्हें छोड़ते हमें। अनफॉर्चुनेटली हम हर बार ये कहते हैं और कुछ बहुत सीरियसली क्रिकेट को कवर करने वाले लोग कहते हैं कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलने गए हुए हैं, हम कैसे इतने बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, हमें जीतना है, जीतना ज़रूरी है। अगर आपने ये सोच रखनी है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम को तैयार करना। सिकंदर, कुछ नए लड़कों की अब बात कर लेते हैं, एक ही करके बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सब, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई, उसके बाद तुम एक एक पर आ जाना। जैसे कि हम फरहान है, आमिर जमाल है, अब्बास अफरीदी, सलमान अली आगा, मैं समझता हूँ उसको होना चाहिए वनडे में, T20 में। हाँ, T20 में जगह बना लेंगे आप सलमान अली आगा। देखो, बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है, मैंने रखा है कि आप खिलाएं उसको, फिर देख लें। साइम अयूब है, जमान खान है, हसीबुल्ला है, अब मुझे नहीं पता कि हसनैन की क्या हालत है। पहले बैटर्स पे आ जाते हैं, फिर हम बॉलर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि बॉलिंग के मामले में फिर भी हम शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, बिकॉज अब्बास अफरीदी हैज डन वेल। वेल, मगर ये आप देखें कितना मैंने उसके लिए कहा था, कितना मैं कहता था ये किधर चला गया लड़का, मगर डिसअपॉइंटमेंट मुझे हारिस रूफ से हो रही है। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ, मगर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आपने देखा उसकी बॉलिंग का क्या हुआ? आप अगर आपने गौर से देखा, वो शॉट पे शॉट गिने किए जा रहे हैं। अच्छा, रजाक की एक बात मुझे स्ट्राइक कर रही है। रजाक ने उस दिन बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला कि देखें, जब हमारे जो दूसरे फास्ट बॉलर्स थे ना, जैसे वसीम वकार, शोएब अख्तर, काइंड ऑफ पीपल जो वाकई जनरली फास्ट थे, तो वो अपने कोई इनको मारता था तो वो अपनी पेस से यॉर्कर्स मारते थे। ये क्या करते हैं कि ये अपनी स्पीड चेंज करते हैं। रजाक का जो बात थी वो मैं बैठा सोच रहा था कि यार इसके लगी बात में, हाँ मुझे लगी कि इसमें एक पॉइंट है कि मैं हूँ कोच तो मैं अपनी टीम के लड़कों को बोलूँगा, यार देखो ये जो दो तीन लड़के हैं, जैसे हफीज है, वो सॉरी हारिस वारिस जो हैं, ये वो, ये आके स्लो रन करते हैं, आप उनके लिए अलर्ट रहें, उनके हाथ पे नज़र रखें, उन पर ख्याल रखें। दे नॉट गोइंग टू बोल यॉर्कर्स, दे गोइंग टू बोल स्लोअर वन, तो उस पर स्लोअर वन पर हिट लगती है, यॉर्कर पे नहीं लगती। अगर आप पेस से मारें, स्लोअर वन पे जरूर लग सकती है, अगर आपने रीड कर ली तो वो आपको छक्का मार सकता है। तो ये बात मेरे जहन में आई कि यार रजाक जो ये बात कर रहा है उसमें काफ़ी इसमें वेट है कि आप ज़्यादा अगर कराने लगे ना धड़ाधड़, तो वो फिर बैट्समैन तैयार रहता है कि आओ भाई। मैं ज़रा नाम ले लेके थोड़ा सा फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ प्लेयर्स का। अब्दुल रजाक, साइम अयूब का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? चार मैचेस उन्होंने खेले, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पहले मैच में 27 रन जरूर बनाए, वॉज नॉट इनफ, बट पांचवा और आखिरी मैच उनको नहीं खिलाया गया है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं उनका?
देखें साइम यू बहुत टैलेंटेड है और जिस तरह की उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है और स्टैंडिंग बड़ा डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को, पर ये कि जब आपको याद होगा जब वहाब रियाज हमारे साथ थे तो मैंने उनसे बात की थी कि आप इन प्लेयरों को कैसे एक टफ कंडीशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, न्यूजीलैंड वाली टफ कंडीशन में जहाँ बॉल मूव करता है बहुत तेज आता है बॉल, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके जा रहे हैं डेड पिचों पे, तो आप उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो ये उनको मैंने बात कही थी। पर ये कि सैम यू के पास बहुत टाइम है, अभी पीएसएल होनी है, अभी और खेलेंगे और एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तो ये इनके पास बहुत टाइम है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं सिकंदर के पीएसएल में इस बार साइम अयूब डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल जहां भी उन्होंने लीग्स खेली हैं उन्होंने बड़े रन्स बनाए हैं और बड़ी धुलाई की है सबकी, बट पाकिस्तान टीम के लिए आप क्या उनका फ्यूचर देख रहे हैं? आप पाकिस्तान में जब हमने देखा है पीएसएल में जो परफॉर्म करता है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान टीम में आ जाता है, वो एक अलग बात। देखो तुमने अभी लीग की बात की ना, मैं तो कहता हूँ लीग्स डिस्ट्रॉय द टैलेंट बट इंक्रीजेस द बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस, ठीक है ना। तो लीग्स में देखें वो क्वालिटी प्लेयर नहीं होते जो एक नेशनल टीम में होते हैं। एक और पॉइंट इसने अभी जो उठाया है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप इतनी स्लो विकटें यहाँ बनाते हैं, मैं भी उस दिन मैचेस देख रहा था टीम के जाने से पहले और मैंने पिच की हालत देखी, मैंने कहा यार हम ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम न्यूजीलैंड में वनडे खेलने जा रहे, T20 खेलने जा रहे हैं, आपने ये पिचेस बनाई हुई बच्चों के लिए, उनको क्या प्रैक्टिस मिलेगी? मैं तो ये सवाल, यही तो मुसीबत है कि पीसीबी का तो कुछ सर पैर ही नहीं, हैंडलिंग का बताएं मुझे। साइम अयूब अब आगे खेलते हुए आपको नजर बिल्कुल आ रहे हैं मेरे ख्याल से टीम में रहेंगे या रहना चाहिए? चार मैचेस परफॉर्मेंस के बाद वो साइडलाइन हो जाएंगे, हमने देखा, इसलिए कर रहा हूं मैं सवाल क्योंकि हमने देखा ये होता हुआ, गलत होगा वो हुआ साइम अयूब को चीफ सेलेक्टर साइड पे ना हो जाए बाकी खैर। नहीं 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 वो तो चेंज हो जाएंगे सारे, ये तो आप लिख लें 15 दिन रह गए इन लोग। टॉप ऑफ द बोर्ड थोड़ी सी तब्दीली आई है, सो लेट्स सी अब चेहरे किस तरह बदलते हैं, ऊपर से बदलते हैं। तो आप तो साइम अयूब को देख रहे हैं, अब्दुल रजाक आप देख रहे हैं साइम अयूब को आगे सेलेक्ट होता हुआ? देखिए बात ये है कि पाकिस्तानी पिचों पे उसे मौका देना चाहिए, ठीक है, मतलब बाहर हो रहा है तो फिर नहीं देना मिलना चाहिए जी। अच्छा, नहीं उनको टीम में रहना ठीक है। आजम खान हसीबुल्ला इन दोनों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए आजम खान को एज ए हिटर उन्होंने लिया है और आजम खान को भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और उसको मैं समझता हूँ कंफर्ट लेवल जो है उनके मुताबिक उनको मिल नहीं रहा और खुदाया ये जो बाबर और रिजवान की जोड़ी की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। इनके स्ट्राइक रेट चेक कर लें, 129 के स्ट्राइक रेट के ओपनर हैं, तो इनको ये ख़त्म करें और फखर को दोबारा लेके आए। जब ये इस तरह की टीम जब बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये मिडल ऑर्डर पे प्रेशर कम होगा। सिकंदर आजम खान और हसीबुल्ला का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? हसीबुल्ला के लिए मैं जरूर कहूँगा, देखें कि वो छोटे प्रोविंस है, छोटे शहर का एक प्लेयर है, पश्चिम बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है, उसको उतने कम से कम मैच मिलने चाहिए जितने के आजम खान को मिले। देखिए आजम खान को 6 से 7 मैच शायद मिल चुके हैं, ऐसी कुछ है उसका रिकॉर्ड। लेकिन सिकंदर इज अ पावर हिटर, सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये 7-8 मैचेस या 10 मैचेस वक्फे से मिल रहे हैं, दो सीरीज में बैठ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, सर ये भी सही तरीका नहीं है ना? ये भी सही कह रहे हो, खेलने तो दिमाग से खेलने वाली बात है। बिल्कुल ये भी सही कह रहे हो, 3 मैच तो उसको अभी मिले आजम को, कुड नॉट स्कोर रन्स, ठीक है ना, उसको इसी तरह हसीबुल्ला को भी मिलना। देखिए उसका कीपिंग का मसला नहीं है ना, मैंने हसीबुल्ला को कीपिंग इतनी करते नहीं देखी, आजम इज अ वेरी गुड विकेट कीपर बगैर किसी शक के, उसका वेट ज्यादा, आल्सो अ प्रॉपर विकेट कीपर और प्रॉपर बैट्समैन है भाई, प्रॉपर होगा, मगर ये है कि उसको रखा किस चीज के लिए? आजम खान इज देयर फॉर हिज पावर, रोल समझ में आता है उसका, रोल एक ही है, कीपिंग तो वो अच्छी करता ही है। शायद आप हसीबुल्ला को वनडे या फिर टेस्ट के बैकअप के लिए तैयार कर रहे हैं, विच इज नॉट अ बैड ऑप्शन, ही इज अ सॉलिड प्लेयर, अब हम जितनी बार भी ये कहें कम है। साहिबजादा फरहान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जल्दी जल्दी टाइम खत्म होने वाला है अब्दुल रजाक। देखिए बात यह है कि साहिबजादा फरहान को अगर खिलाना है तो ओपनर खिलाएं, अदरवाइज ना खिलाएं। जी जी रजाक भाई कह रहे हैं ना खिलाएं, खिलाएं तो ओपनर फरहान को एज ए ओपनर खिलाएं, अगर उसे नहीं हो एज ओपनर खिलाएं तो ना खिलाएं, टीम में ना रखें। सिकंदर भाई मैं भी ये बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिसकी जो पोजीशन है, मगर ये कल कोई प्रोग्राम्स में मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा कहीं किसी जगह पे कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में पता नहीं 6 नंबर पे खेलता है, उसको ओपनर बनाया हुआ, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, वो ओपनर है मेरे ख्याल से फरहान ना, तो फिर उसको ओपन करा।
ठीक है जेंटलमैन, आई विश वी हैड टाइम टू टॉक अबाउट द बॉलर्स एज वेल, लेकिन बॉलर्स ने बेहतर परफॉर्म किया है, एक क्लैरिटी नज़र आती है एटलीस्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, आपको ऑप्शंस भी हैं और अच्छे ऑप्शंस भी हैं। हाँ, बैटिंग डिपार्टमेंट में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है, इस कन्फ्यूजन को किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है, टीम मैनेजमेंट या थिंक टैंक जो उधर बैठा है किस तरह के फैसले लेता है इन डेज टू कम, PSL का कितना किरदार होता है टीम सिलेक्शन में, ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आगे आने वाले माह में मिलेंगे। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, सिकंदर बाग, अब्दुल रज़ाक, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए।